हेलो फ्रेंड्स, गेट्स मैशेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑटो स्टोरेज क्लास। सबसे पहले गाइस, मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं। सिंटैक्स, ऑटो स्टोरेज क्लास का सिंटैक्स क्या है? ऑटो डेटा टाइप, वेरिएबल का नेम। अगर हम ऑटो यहां पे नहीं भी लगाते, लेट्स से अगर मैं डायरेक्ट इंट ए भी लिखता हूं, तो बाय डिफॉल्ट जो है ये ऑटोमेटिक टाइप का ही डेटा टाइप है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है गाइस, कि अगर आप कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो विद स्टोरेज क्लास ऑटो, और उसको अगर कोई भी वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं करते, जैसे यहां पे मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दी इसको, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या लेता है? गार्बेज वैल्यू, कुछ भी रैंडम वैल्यू ये पिक करेगा। अगर आप प्रिंट एफ करते हो ए को, तो कुछ भी गार्बेज वैल्यू ये पिक करके प्रिंट करवा देगा। दोबारा फिर करोगे तो कुछ और रैंडम वैल्यू जो है उठा के प्रिंट कर देगा, बिकॉज गार्बेज वैल्यू क्या होती है? एक रैंडम वैल्यू है जो ये पिक करेगा। तो हमेशा हम जब भी ऑटो लेते हैं या विदाउट ऑटो भी नॉर्मल मेंशन करते हैं, तो हम हमेशा इनिशियलाइज करते हैं इसको किसी ना किसी नंबर से। तो ये पॉइंट जो है, छोटे छोटे पॉइंट काफी बार एग्जाम के अंदर आ जाते हैं थ्योरी पार्ट बन के, कि अगर हम इनिशियलाइज नहीं करते तो गार्बेज वैल्यू लेता है या जीरो लेता है, क्या वैल्यू एक्चुअल में लेता है। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या ले रहा है? गार्बेज वैल्यू अगर हम इनिशियलाइज्ड नहीं करते। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है, लेट से अगर मैं इसको इनिशियलाइज कर देता हूं a इज इक्वल टू 10, तो ये वैल्यू कहां जाके स्टोर होगी, कौन सी मेमोरी में? ये वैल्यू जनरली स्टोर होती है आपकी बाय डिफॉल्ट रैम के अंदर ही हम डेटा को स्टोर करते हैं। लेकिन जैसे कि रजिस्टर स्टोरेज क्लास है, तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास में हमारी प्रेफरेंस होती है कि हम डेटा, कुछ डेटा ऐसा है जिसको हमें बार बार कॉल करना पड़ता है, बार बार उनकी यूसेज है, तो हम क्या करते हैं, बिकॉज रजिस्टर जो है वो फास्टर है एज कंपेयर टू रैम, तो हम रजिस्टर स्टोरेज क्लास में जो डेटा की वैल्यू है वो हम कहां पे स्टोर करते हैं? रजिस्टर्स के अंदर। लेकिन यहां पे बाय डिफॉल्ट ये कहां जाएगा? रैम के अंदर। देन अगर हम बात करें इसके लाइफ टाइम एंड स्कोप के बारे में, कि ऑटो स्टोरेज क्लास के अंदर कोई वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं तो उसका लाइफ टाइम कितना है या उसका स्कोप कितना है। लाइफ टाइम का मतलब क्या है गाइस, कि उस फंक्शन तक ही उसकी सीमित है या उस फंक्शन से बाहर भी पूरे प्रोग्राम तक वो लाइव रहेगा। और स्कोप की बात करें तो रेंज कितनी है, ये बेटर आपको एग्जांपल से समझ आएंगे। तो यहां पे मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, इन एग्जांपल से आपको पूरा सिनेरियो जो है ऑटो स्टोरेज क्लास का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस एग्जांपल की। तो यहां पे void main function, function 2, function 3, मतलब मैंने func को तीन बार कॉल किया हुआ, और यहां पे मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी है void fun auto int a is equal to 10 plus plus a print f a। तो जैसा कि ये c में प्रोग्राम है, तो c में हमेशा कंपाइलेशन कहां से होती है? टॉप टू डाउन। C की कंपाइलेशन हमेशा टॉप टू डाउन होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन हमेशा हम स्टार्ट करते हैं मेन प्रोग्राम से। तो स्टार्ट करते हैं इसकी एग्जीक्यूशन मेन प्रोग्राम में। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? फन। तो फन का मतलब है ये किसको कॉल करेगा? फंक्शन को यहां पे कॉल करेगा, और फंक्शन की डेफिनेशन यहां पे है। तो फंक्शन को स्टार्ट करते हैं ऑटो इंट ए। मैंने ए को यहां पे ऑटो टाइप का स्टोरेज क्लास ली हुई है, और इंट वैल्यू है इसमें, लेट से 10 वैल्यू इसके अंदर हमने इनिशियलाइज्ड की है। तो मेमोरी में कोई भी स्पेस मिल गया, लेट से मेमोरी में स्पेस मिल गया 100 स्पेस है रैम के अंदर, कोई भी एक रैंडम स्पेस है, एक एड्रेस है, एड्रेस है 100, और उसमें वैल्यू क्या चली गई आपकी? 10। देन नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया? प्लस प्लस ए। प्लस प्लस ए क्या है? प्री इंक्रीमेंट है। तो प्री इंक्रीमेंट में वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 की 11। तो वैल्यू कितनी होगी? 10 से 11 प्रिंट एफ ए। तो जैसे ही आप प्रिंट एफ ए करोगे तो वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी आपकी? 11। और एंड यहां पे हो गया, मतलब एंड का मतलब है ये ब्रैकेट का मतलब है पैरेंथेसिस का, कि ये वाला फंक्शन जो है ये कंप्लीट हो गया, ओवर हो गया, तो ये वापस रिटर्न जाएगा इस पे। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फिर फंक्शन है, तो हमने फिर दोबारा से इस फंक्शन को कॉल किया। तो यहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है, कि जब हमने दोबारा फंक्शन को कॉल किया, ऑटो इंट ए इज इक्वल टू 10 लिखा, तो ये यहीं से उठाएगा या नया? तो ये हमेशा नई वैल्यू उठाएगा, बिकॉज हम ऑटो के अंदर जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जितनी भी बार आप फंक्शन को कॉल करोगे उतनी बार आपका वेरिएबल री इनिशियलाइज्ड होगा। तो यहीं पे दोबारा से फिर वो इनिशियलाइज्ड होगा। लेट्स से वैल्यू क्या आ गई आपकी? कोई भी एक एड्रेस है, अब एड्रेस भी तो चेंज हो गया, पहले कोई 100 था, अब एड्रेस कितना हो गया आपका? 200। और इस 100 एड्रेस का क्या बना? ये 100 एड्रेस ऑटोमेटिकली क्या हो गया?
डिस्कार्ड, ये वाला जो एड्रेस था ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो गया। तो क्यों डिस्कार्ड हो गया? क्योंकि फंक्शन वन जैसे इस ब्रैकेट के बाद क्या हो गया, इसका लाइफ टाइम खत्म हो गया। मतलब इस ए का लाइफ टाइम कितनी देर तक का था, इस ब्लॉक के अंदर, सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर है। और इसका स्कोप भी, स्कोप मतलब ए की रेंज कितनी है, ए की रेंज भी इसी के अंदर है। जैसे ही फंक्शन ये कंप्लीट करके रिटर्न करेगा, ये वाला स्पेस ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाएगा। अब हमने फंक्शन टू को कॉल किया, तो फंक्शन टू आया ऑटो इंट ए इज इक्वल टू 10, तो दोबारा से इनिशियलाइज होगा ए, और कोई एक रैंडम स्पेस मिल गया, कोई भी एक रैंडम एड्रेस मिल गया, लेट्स से 200, और उसमें वैल्यू क्या चली गई, 10, 11 नहीं जाएगी, दोबारा से रीइनिशियलाइज हुआ तो 10, और प्लस प्लस ए किया तो ये क्या हो गया 11, और प्रिंट एफ किया तो ये क्या प्रिंट करेगा 11 प्रिंट कर देगा। कंप्लीट हो गया, ब्रैकेट आ गई, ब्रैकेट बंद होगी, मतलब इस फंक्शन को हमने कंप्लीट कर दिया, तो ये दोबारा से रिटर्न करेगा नीचे मेन फंक्शन में, और साथ के साथ ये वाली जो स्पेस है ये भी क्या हो गई, खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि जो इसका लाइफ टाइम था वो सिर्फ इतना ही था, इस ब्लॉक तक ही था। जैसे ही ये कंप्लीट हुआ, इसका लाइफ टाइम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो लाइफ टाइम जो है वो ऑटो के अंदर बहुत ही स्मॉल है, सिर्फ उस ब्लॉक तक ही सीमित है। अब जैसे ही हमने नेक्स्ट फंक्शन थ्री, फंक्शन थ्री को हमने फिर कॉल किया, बिकॉज यहाँ पे फन तीन बार लिखा हुआ है, तो फन थ्री को जब हमने कॉल किया तो फन फन और ऑटो इंट ए, तो दोबारा से फिर ए इनिशियलाइज होगा विद वैल्यू 10, और कोई भी एक रैंडम एड्रेस मिल गया रैम के अंदर 300, तो हर बार ये रीइनिशियलाइज हो रहा है। तो जो पुराना स्पेस था वो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो रहा है, क्योंकि लाइफ टाइम इसका सिर्फ इतना ही था। तो दोबारा से प्लस प्लस ए किया, 10 से क्या हो गया 11, प्रिंट एफ ए, जैसे ही प्रिंट एफ ए किया तो क्या हो गया 11, तो ये क्या करेगा 11 11 11 तीन बार प्रिंट करेगा, और जैसे ही ब्रैकेट बंद, साथ के साथ जो हमारा कंट्रोल है वो रिटर्न हो गया किसके पास, मेन प्रोग्राम के पास, मेन फंक्शन के पास, दोबारा से इसका जो कंट्रोल आ गया, और साथ के साथ ये जो एरिया था, ये वाला एड्रेस था, वो क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, बिकॉज इसका जो लाइफ टाइम सिर्फ इतना ही था। अगर हम बात करें स्कोप की, अगर आप यहां पे कहीं पे भी इस पूरे एरिया में कहीं पे भी ए को कॉल करते हो, तो ए की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 10, क्योंकि इसका स्कोप कितना है, इसकी रेंज है यहां तक। लेट्स से अगर मैं यहां पे प्रिंट एफ लिख दूं, यहां पे मेन के अंदर मैं लेट्स से प्रिंट एफ लिख दूं, ए परसेंट डी लगा के आप ए अगर यहां पे लिखते हो, तो ये क्या करेगा, ए इज अ अनडिफाइंड, यहां पे ए को क्या लिखेगा, ये अनडिफाइंड। रीजन, बिकॉज ए का स्कोप सिर्फ इतना ही था, स्कोप का मतलब है उसकी रेंज, इसकी रेंज सिर्फ इतनी थी, और हमने ए को कॉल किया मेन के अंदर, तो मेन के अंदर तो कहीं पे ए है ही नहीं, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या देगा, अनडिफाइंड वेरिएबल। तो यहां से आपको पता लग गया कि स्कोप क्या होता है, और लाइफ टाइम मतलब कि कहां तक उसकी वैल्यू जो है, जो भी वैल्यू में हमने चेंज किया, उस वैल्यू की लाइफ टाइम कितनी है। तो यहां पे देखो, हमेशा लाइफ टाइम जो है उसकी सिर्फ इतनी है, जैसे ही वो फंक्शन दोबारा रिटर्न कर रहा है, अपना कंट्रोल दोबारा मेन को दे रहा है, साथ के साथ हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो आउटपुट क्या आ रही है, 11 11 और 11। नेक्स्ट एक और प्रोग्राम से हम समझते हैं इसको, स्कोप को। वॉइड मेन इंट ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, तो यहां पे मैंने ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20 जो है वो इनिशियलाइज कर दी, कोई भी एक रैंडम एड्रेस मिल गया, लेट्स से 100 एंड 200। नेक्स्ट, बिकॉज मेन से हम हमेशा एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो हमने यहां पे नेक्स्ट फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट हो गई, और इसके अंदर हमने क्या किया, ए इज इक्वल टू 15 एंड सी इज इक्वल टू 18, मतलब कोई भी एक रैंडम नंबर है यहां पे, लेट्स से 300, और ये है हमारे पास 400, बिकॉज इसका जो स्कोप है, इसका स्कोप कितना है, यहां तक पूरा, ये जो स्कोप है ये ए और बी का स्कोप इतना पूरा है, इसकी रेंज जो है ये पूरी है। और अगर हम इस ए और सी की बात करें, तो इसकी रेंज कितनी है, यहां तक, पूरे यहां तक। तो आप बाय डिफॉल्ट कह सकते हो कि ए और बी की रेंज तो पूरी यहां तक है, और ये ए और सी की रेंज यहां तक है, और इंटरनली बी और डी जो हमने लिए हैं उनकी रेंज सिर्फ इस पूरे ब्लॉक तक है। ये पूरा जो ब्लॉक है, लेट से ये ब्लॉक B1, तो B1 की रेंज जो है यहां तक है, और B2 की रेंज जो है वो यहां तक है, और B3 की रेंज जो है वो पूरी यहां तक है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें, हमने B को लिया, B को इनिशियलाइज किया विद 25, D को इनिशियलाइज किया विद 30। नेक्स्ट,
जैसे हम इसके अंदर आते हैं, लेट्स से प्रिंट एफ ए बी सी, गाइस मैंने यहाँ पे परसेंट डी नहीं लगाया हुआ, तो आप बाय डिफॉल्ट मान के चलो कि परसेंट डी ऑलरेडी लगा हुआ है। तो प्रिंट एफ ए बी सी, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ए प्रिंट करेगा यहां पे 15, बिकॉज ये देखो जो इस B2 की रेंज, B2 की जो स्कोप है वो यहां तक पूरा है, तो इस पूरे स्कोप में A की वैल्यू ऑलरेडी हमने लोकली डिफाइंड की हुई है, ये लोकली यहां पे पड़ी है, और कितनी वैल्यू पड़ी है 15, तो ये क्या प्रिंट करेगा 15। B की वैल्यू कितनी प्रिंट करेगा, B की वैल्यू देखो इस पूरे स्कोप में, इस पूरे ब्लॉक में B की वैल्यू हमने यहां पे ली नहीं हुई, ये तो यहां तक की रेंज है ना, ये बी तो उठा ही नहीं सकता क्योंकि इसकी जो रेंज है वो पूरी है, लेकिन इस पूरे पोर्शन में इसकी रेंज नहीं चलेगी, इस पूरे पोर्शन में, तो यहां पे हमने बी तो लिया नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, बाय डिफॉल्ट इससे जो बड़ी रेंज है वो ये वाली है B3, तो B3 की रेंज में चेक करेगा कहीं पे बी है, यस ऑलरेडी यहां पे बी है, तो ये बी की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा 20। देन सी की वैल्यू लोकली डिफाइंड है, क्या प्रिंट कर देगा ये 18। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेट्स से इसके अंदर प्रिंट ए बी सी डी, तो देखो ए की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा यहां पे, ए की वैल्यू जो है हमने इस पूरे फंक्शन में, इस पूरे ब्लॉक में ए की वैल्यू को हमने डिफाइन नहीं किया हुआ, ए को हमने यहां पे डिफाइन नहीं किया, लेकिन इसका जो नेक्स्ट ब्लॉक है, बड़ा ब्लॉक है कौन सा है, B2 और B3, तो B2 और B3 में दोनों में ए और ए डिफाइंड है, लेकिन ये कौन सी उठाएगा, ये वाली रेंज, जो भी नियरेस्ट रेंज होती है, नियरेस्ट स्कोप होता है, वो नियरेस्ट रेंज से वैल्यू उठाता है, तो B2 और B3 में से नियरेस्ट कौन है, B1 के B2, तो B2 में A डिफाइंड है, यस डिफाइंड है, क्या वैल्यू है 15, तो ये क्या प्रिंट करेगा 15, और अगर यहां पे ना होती 15 तो फिर ये क्या प्रिंट करता 10, क्योंकि इससे बड़ी रेंज क्या थी फिर B3। नेक्स्ट B की वैल्यू तो हमने लोकली डिफाइन की हुई है इनसाइड दिस ब्लॉक 25। C की वैल्यू देखो यहाँ पे, C की वैल्यू की अगर हम बात करें तो C यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो ये नेक्स्ट बड़े ब्लॉक में गया, तो नेक्स्ट बड़ा ब्लॉक कौन सा है B2, क्या B2 में C डिफाइंड है, यस C डिफाइंड है, और उसकी वैल्यू क्या है 18। अगर यहां पे सी ना होता तो फिर ये उससे बड़े ब्लॉक में जाता, मतलब B3 में देखता, बट B3 में भी नहीं है, तो अगर B3 में भी ना होती तो ये अनडिफाइंड करके इसको प्रिंट कर देता। देन अगर हम बात करें डी की, तो डी तो लोकली डिफाइंड है और उसकी वैल्यू क्या है यहां पे 30, तो ये 30 प्रिंट कर देगा। देन अगर हम बात करें लास्ट प्रिंट एफ ए बी सी डी, मतलब B1 ब्लॉक से बाहर आ गए हम, B1 ब्लॉक से बाहर हम ए बी सी डी को प्रिंट कर रहे हैं, तो देखो ए की रेंज तो यहां पे इस वाले में खत्म हो जाती है, लेकिन यहां पे तो है ही, इस B2 की रेंज यहां से लेके यहां तक, तो ए जो है B2 की रेंज में है, तो B2 में ए कितना है 15, सिंपल। अगर B2 में ए ना होता तो ये B1 से उठा लेता। देन B की अगर हम बात करें तो B2 में देखो B कहीं पे डिफाइंड है, B2 में B यहां पे डिफाइंड नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये उससे नेक्स्ट रेंज में जाएगा बड़ी, इंटरनली नहीं जा सकता, बिकॉज ये वाले B की रेंज सिर्फ इतनी थी, ये वाले B की रेंज सिर्फ इतनी है, तो यहां पे अगर हम B को कॉल कर रहे हैं तो ये B2 में देखेगा, लेकिन B2 में तो है ही नहीं, तो B2 में B3 की, फिर नेक्स्ट B3, क्योंकि ये एक्चुअल में ऐसे है B3 B2 B1, अगर हमें B1 में मिल गया तो ऑब्वियसली B2 B3 में तो है ही, लेकिन अगर हम यहां पे किसी को कॉल कर रहे हैं तो यहां पे अगर कॉल कर रहे हैं हम तो B1 के स्कोप से तो बाहर आ गया ना, लेकिन B3 के अंदर तो है ही वो, बस ये वाला पॉइंट है यहां पे, तो देखो B3 में है, B3 में B है, क्या वैल्यू है उसकी 20, तो 20 ये यहां पे प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट है C, तो C देखो यहां पे बाय डिफॉल्ट B2 में C है तो 18 यहां पे प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें D, तो देखो B2 में कहीं पे D है, B2 में D नहीं है, तो ये नेक्स्ट जाएगा B3, क्या B3 में D है, नहीं B3 में भी D नहीं है, D कहां पे है, D B1 स्कोप में है, सिर्फ इतने स्कोप में है D, अब नहीं ये उठा सकता, बिकॉज कोई भी वैल्यू अगर आप यहां पे ढूंढ रहे हो इस पॉइंट पे, तो अगर वो वैल्यू इसके अंदर डिफाइंड है तो ये उठा ही नहीं सकता, क्योंकि ये वाली रेंज जो है वो इससे बाहर की रेंज है, तो ये देखो यहां पे D की वैल्यू ये नहीं उठा पाएगा, क्योंकि D जो है सिर्फ उसका स्कोप इतना था, तो यहां पे D क्या है अनडिफाइंड है, यस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और हम देख लेते हैं, लेट्स से यहां पे मैंने बिल्कुल बाहर वाली पैरेंथेसिस में लिखा प्रिंट एफ ए बी सी डी, तो देखो ए सबसे पहले अगर हम बात करें, हम B3 रेंज की बात करें, तो B3 में कहीं पे A है, यस B3 में A है, क्या है वैल्यू 10,
क्या B3 में B है? है. क्या वैल्यू है? 20. सी, क्या B3 में सी है? नहीं, सी तो B2 में है, B3 में तो सी है ही नहीं. तो यानी ये सी को क्या करेगा? अनडिफाइंड करेगा. वही पॉइंट जो मैंने यहां पे बताया, आप यहां पे ढूंढ रहे हो किसको? सी को. तो सी कहां पे है? सी तो यहां है. तो यहां पे अगर आप ढूंढ रहे हो तो वो नहीं मिलेगा. लेकिन अगर यहां पे ढूंढ रहे होते और सी यहां होता तब तो ऑब्वियसली आप उसको यूज कर सकते हो. लेकिन आप यहां पे खड़े और सी इंटरनली है. सी की वैल्यू जो है वो यहां से लेके सिर्फ यहां तक थी और आप उसको कहां ढूंढ रहे हो? बाहर ढूंढ रहे हो. तो यहां पे सी जो है वो क्या है? अनडिफाइंड है. यहां पे सी जो है वो इस तरीके से आप बना सकते हो इसको. यहां पे सी जो है वो क्या है? अनडिफाइंड. क्योंकि यहां पे B3 की रेंज खत्म हो जाती है. D की बात करें तो यहां पे D है? नहीं है. तो D कहां पे है? D तो इंटरनली है B1 के अंदर. तो इसके अंदर आप D को नहीं ढूंढ सकते. तो D की रेंज यहां पे भी क्या हो गई आपकी? अनडिफाइंड. तो D भी क्या प्रिंट होगा? अनडिफाइंड. C भी क्या होगा? Undefined. So this is how we check the scope and we check the lifetime of a variable. ये जो points हैं scope, lifetime, by default क्या आउट होता है? Garbage value. और कहाँ पे ये value store होती है? ये तीनों चारों points जो हैं वो बहुत important है. So this is all about auto storage class. So guys, अगर आपको ये video पसंद आए तो please इसको like करें, ज़्यादा से ज़्यादा share करें and please subscribe my channel. Thank you.